भारतीय जनता पार्टी ने किस मंशा से इलेक्शन की जो तिथि है वो एक्सटेंड करने की मांग की है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जहन में क्या बात होगी, क्योंकि पहले बहुत कम चांस ऐसे हुए हैं कि चुनाव आयोग ने तिथि बदलनी पड़ी हो। तो देखो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता है जो, वो तो कई तरह के इसमें वो ढूंढती है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का इसमें फायदा लेना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसकी तारीखें तय हो चुकी हैं और इसी दरमियान एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि सत्ताधारी पार्टी जो हरियाणा में इस समय सत्ता पर काबिज है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखकर इस जो इलेक्शन की तारीख है उसको आगे करने के लिए पत्र लिखा है। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस बात को, इसके पीछे के तथ्य क्या हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, उनको जानने के लिए आज हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सतीश मेहरा जी, जो पूर्व उपनिदेशक प्रेस राजभवन हरियाणा से हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले सतीश मेहरा जी, आपका स्वागत है हमारे अर्थ प्रकाश चैनल पर। धन्यवाद आपका राजेंद्र जी। मेहरा साहब, अभी देखिए आपको पता है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो तय हो चुकी थी, 1 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन तो होने हैं, है ना। तो अभी जो मेरी नॉलेज में खबर आई है कि जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है जिसमें ये चुनाव की जो तारीख है उसको आगे करने के लिए कहा है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे और इसके ऊपर जो ये इलेक्शन कमीशन है ये क्या संज्ञान ले सकता है? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावी जो तिथि है वो एक्सटेंड करने के लिए पत्र लिखा है, और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव की जो तिथि है वो पहले से तय हो चुकी है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को मतगणना होनी है। तो इस चुनाव तिथि को देखते हुए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, और उसके बाद 16 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस मंशा से इलेक्शन की जो तिथि है वो एक्सटेंड करने की मांग की है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जहन में क्या बात होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। बट जहाँ तक चुनाव आयोग उनके इस लेटर पर संज्ञान लेगा, इस बात में कुछ असमंजस है, क्योंकि पहले बहुत कम चांस ऐसे हुए हैं कि चुनाव आयोग ने तिथि बदलनी पड़ी हो, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की है उनमें उस लेटर में उन्होंने कुछ तथ्य भी जोड़े हैं। हाँ, उन्होंने ऐसे तथ्य जोड़े हैं कि लगातार छुट्टियां आ रही हैं, जिस वजह से वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं वो हरियाणा से बाहर जा सकते हैं, जिस वजह से जो वोट प्रतिशत है वो कम हो सकता है, कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं उस पत्र में। उन्होंने तिथि को एक्सटेंड करने के पक्ष में जो 2-3 बातों का हवाला दिया है कि 28 और 29 जो सैटरडे और संडे का दिन है, उन दोनों दिनों में छुट्टियाँ होंगी, गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं हरियाणा में, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में संडे और सैटरडे गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं। और उसके बाद जो 30 तारीख का एक वर्किंग डे बचता है, 30 के बाद 1 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें भी छुट्टी होती है, और 2 को गांधी जयंती, तो 2 को गांधी जयंती है। जी जी जी। और इसके साथ साथ जो एक दिन बीच में बचता है 30 तारीख का, तो उनका ये मानना है कि 30 सितंबर को जो बीच में एक वर्किंग डे बचता है उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉई, ज़्यादातर कर्मचारी लोग जो बाहर जिनकी पोस्टिंग होती है, दूसरे जिलों में पोस्टिंग होते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं और मतदान, उनका जो मतदान में हिस्सा, हाँ मतलब वोट प्रतिशत जो है वो कम हो सकता है, मतदान ये उनका मानना है, ले पाएंगे। तो इस को देखते हुए उन्होंने मांग की है कि, और उसके आगे 1 सितंबर से अक्टूबर से आगे जो 2 अक्टूबर की जो गांधी जयंती की छुट्टी है, एक वो हवाला दिया है, उसके बाद 2 अक्टूबर को ही जो बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा समागम बीकानेर जिले में मुकाम जो गांव है वहां पे समागम होता है,
काफी बिश्नोई समाज के लोग वहां पे हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। जी, जी, तो उनका ये मानना, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि काफी सारे लोग जो बिश्नोई समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो मान्यता रखते हैं, वो लोग मुकाम जाएंगे और उनका चुनाव में अपना जो पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल, वहां से आना और जो दूरी है हरियाणा की और मुकाम की काफी लंबी दूरी है। तो पहले वो 2-3 दिन पहले जाते हैं वहां पे और 2-3 दिन बाद तक वहां पे रुकते हैं, इसलिए 1 तारीख के चुनाव में पार्टिसिपेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रीजंस हैं ये वैलिड रीजंस हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ और प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? ठीक कहा आपने, ठीक, बड़ा वाजिब क्वेश्चन है ये। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता है जो, वो तो कई तरह के इसमें वो ढूंढती है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का इसमें फायदा लेना चाहती है। लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी को तब मिल सकता है जब नोटिफिकेशन की डेट भी चेंज हो, और क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो सत्तारूढ़ है हरियाणा में, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा तब ले सकती है जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हटे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस बारे में कोई संज्ञान लेगा और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को भी इधर उधर करने की बात हो सकती नहीं होगी। मेरे तो, सर मुझे एक चीज और बताइए, भी क्या इससे पहले कभी ऐसा किसी स्टेट में हुआ है भी इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई हो और उसके बाद किसी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने या दूसरी पार्टी ने लेटर लिखा हो कि इस डेट को आगे कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ वैलिड रीजन से, ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अच्छा, पत्र में? हाँ, पत्र में उदाहरण दिया उन्होंने। जी जी जी, पंजाब विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए थे, वो चुनाव की डेट थी 14-2-2022, विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान पंजाब की विभिन्न पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि 16 तारीख को श्री गुरु रविदास जयंती है और उनका एक अलग से समागम बनारस में होता है और वहाँ पंजाब से काफ़ी लोग जाते हैं, स्पेशल ट्रेन जाती है वहाँ पे, तो इसको देखते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की थी कि चुनाव आयोग की तिथि एक्सटेंड की जाए और आगे बढ़ाई जाए, और उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने उस समय संज्ञान भी लिया था। तो जो चुनाव 14 तारीख को होना था वो चुनाव 20 तारीख को एक्सटेंड किया, तक एक्सटेंड किया गया, यानी 20 को वहां पे पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ। और इस तरह से एक उदाहरण यही है कि उस समय एक धार्मिक समागम के चलते पंजाब विधानसभा के चुनाव एक्सटेंड हुए थे, और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। हाँ, एक बात है, चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है अगर 2-3 पार्टियां उन पे लेटर लिखे, थोड़ा सा उनको एक अपील की जाए, निवेदन किया जाए सब 2-3 पार्टियों की और कई पार्टियों की, चुनाव आयोग के इसमें ये चुनाव जो वैलिड रीजन प्रभावित करने वाले जो रीजन है ये वैलिड है और तभी चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई संज्ञान लेगा। क्योंकि रीजन जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैलिड, थोड़े से वैलिड भी मुझे लग रहे हैं कि वाकई अगर 4 या 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी और बीच में 1 दिन का वर्किंग रहेगा, तो बट नेचुरल सी बात है कि जो लोग एक स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी में या इंटर स्टेट कहीं ना कहीं जो काम करते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली अपने घरों को जाना चाहेंगे। बाकी तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस चीज़ का संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, पर संज्ञान लेने का फायदा तभी होगा अगर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी डेट भी एक्सटेंड होती है। हाँ, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कोड ऑफ कंडक्ट की डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी फायदा नुकसान किसी भी राजनीतिक पार्टी को तभी हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट में छूट दी जाए, अदरवाइज कोई फायदा नुकसान मुझे लगता होने वाला नहीं है इसलिए। और एक बात और है, जब पहले जैसे मैंने पहले बताया कि 2-3 पार्टियां अगर अपील करें, उनसे निवेदन करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजें या पत्र भेजें, तो तब संज्ञान लिया जा सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। खैर, जो गेंद है वो अभी चुनाव आयोग के पाले में है, उन्होंने देखना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों से बहुत ही एक बेहतरीन जो मुद्दा है उसके ऊपर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। धन्यवाद राजेंद्र जी। थैंक यू।